मनीषा दीदी नॉर्थ वेस्ट रीजन में पंजाब खन्ना से हैं। दीदी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 23 इयर्स जॉब किया और उसमें तकरीबन 12 साल दीदी एज ए डायरेक्टर रही हैं। दीदी नॉर्थ वेस्ट रीजन में वीकली मीटिंग में सेशन शेयर करती हैं, फेस टू फेस और ऑनलाइन वर्कशॉप में भी दीदी कंटेंट शेयर करते हैं। दीदी यूसी मीटिंग को भी कोऑर्डिनेट करते, तो मैं दीदी से ही अनुरोध करूंगी कि दीदी अपना परिचय रखते हुए अपनी शेयरिंग को रखें। जी मनीषा दीदी। सभी को नमस्ते जी। जैसे प्रिया दीदी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं मनीषा गुप्ता, पंजाब में खन्ना एक शहर है, वहाँ पे परिवार के साथ रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे हैं और हम इकट्ठे रह रहे हैं। मेरे मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ वो दूसरे घर में साथ रह रहे हैं, और मेरे माता पिता भी यहाँ खन्ना में ही रहते हैं। तो हर वीकेंड दोनों तरफ हम मिलने जाते हैं, तो उनके साथ हमारा मिलना जुलना वीकेंड्स पर होता है। मैंने मार्च 2024 तक यहाँ एक मैनेजमेंट कॉलेज में सर्व किया है, और अप्रैल 2024 से अब मैं अपने हस्बैंड को के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें अपनी भागीदारी अकाउंट्स और स्टॉक को देखने के रूप में कर रही हूँ। तो 3 से 4 घंटे का टाइम मैं वहाँ देती हूँ, और फिर 3 से 4 घंटा मैं यहाँ अपने समझने की यात्रा में यूएचवी के साथ प्रयास करती रहती हूँ। और यूएचवी में मेरी यात्रा जो है वो 2014 से शुरू हुई थी। मैंने बतौर डायरेक्टर यूएचवी का वर्कशॉप पीटीयू के साथ मिलकर अपने कॉलेज में करवाया था। फिर 2015 में भी मुझे ये वर्कशॉप दोबारा कराने का मौका मिला था, तो मैंने दोनों वर्कशॉप वहाँ अटेंड किए थे 8-8 दिन के। और मुझे ये लग पहले से ही थोड़ा वैल्यूज की बातें ठीक लगती थी, मेरी आश्वस्ती थी, तो मुझे था कि ये वर्कशॉप मैं कॉलेज में कराऊं। लेकिन यूएचवी में मेरी जो भागीदारी है और जो मैं यूएचवी के साथ समझ की यात्रा को शुरू कर पाई वो 2020 से ही कर पाई हूँ, और तब से एज वॉलेंटियर और एज को एक्सप्लोरर समझने और जीने का प्रयास कर रही हूँ। और मॉर्निंग सेशन भी मैंने फर्स्ट बैच से ही अटेंड किया है। अभ्यास 1 और 2 भी मैं इस टाइम 8वीं बार कर रही हूँ लेकिन ये दिखाई देता है कि मेरी गति बहुत ही स्लो है, और इसका जो कारण मुझे दिखाई देता है कि मेरा जो संस्कार है वो बाहर ज्यादा काम करने का है, बैठकर अपने में ध्यान देने का काम ना नहीं कर पाती हूँ। और चलते फिरते जो भी थोड़ा सारे प्रपोजल्स को सुना, मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रही हूँ, उससे जो भी एक्सप्लोरेशन हो पा रहा है तो थोड़ी गति बनती है, तो आश्वस्ति बनती है कि और प्रयास करने पर मतलब मैं मतलब कर पाऊंगी अपने लिए समझ की इस यात्रा को, और इसलिए फिर मन बनता है कि और प्रयास करना है, और मैं थोड़ा डिसाइड भी करने लगती हूँ कि थोड़ा बैठ के भी कर पाऊँ। तो अगर अंडरस्टैंडिंग को देखूँ कि क्या समझ बनी है एक्सरसाइज 1 और 2 को लेकर, तो एक्सरसाइज 1 जिसमें हम सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि एक्सरसाइज 1 से मैं अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व कर पाती हूँ। और जैसे पिछली शेयरिंग्स में भी मैंने रखा है कि ऑब्जर्वेशन तो हो रहा है लेकिन हर बार है ना थोड़ी थोड़ी सूक्ष्मता या इंटेंसिटी बढ़ती ही दिखाई देती है, तो इस बार भी है ना जो ऑब्जर्वेशन के मोमेंट्स हैं और जो सूक्ष्मता है वो मेरी बढ़ी है। 8वीं बार अभ्यास कर रही हूँ तो धीरे धीरे ये सूक्ष्मता और मोमेंट्स बढ़ रहे हैं ना। तो मैं पहले पिछली बार भी शेयरिंग की थी तो ये बात मेरे ध्यान में आती थी कि मैं तीसरे स्टेप से ही शुरू करती हूँ, कि जब भी अनकंफर्टेबल होती थी
तभी अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम करने लगती थी और फिर मुझे भाव दिखाई देता था और यही कंक्लूड करती थी कि विरोध का है ना। पर अब जब कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं ज्यादा देर कर पाती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि अनकंफर्टेबल होती हूँ तभी कल्पनाशीलता को देखती हूँ। तो दिन भर डिसाइड करती रहती हूँ कि जितना हो सके कल्पनाशीलता को देखना है, तो काफी बार देख भी पाती हूँ पर बहुत ज्यादा बार दिखता भी नहीं है, हर क्षण नहीं हो पा रहा है, बहुत बार दिन में बेहोशी ही रहती है। और अब ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर विरोध का भाव चल रहा है तो पूछती हूँ तो दिखाई देता है और आगे की अविश्वास है या अपमान है या ईर्ष्या है, तो आगे ऐसा भी दिखाई देता है ना। और इस बैच में मतलब मैं जब भी कंफर्टेबल होती हूँ तब भी अपनी कल्पनाशीलता को उसमें क्या चल रहा है वो भी देख पाने का की कोशिश करती हूँ ना। तो इसी बैच से ये बात मेरे ध्यान में आई है ना, बार बार हमारे रिसोर्स पर्सन ये बोलते हैं कि सिर्फ जब हम परेशान होते हैं और है ना हम अनकंफर्टेबल होते हैं तभी नहीं हमको देखना, रादर जब ठीक भी है भाव तब भी देख पाए हम कल्पनाशीलता को। तो उसका प्रयास मैंने किया तो दिखा कि जिस टाइम मेरा भाव ठीक होता है तो मैं उसमें स्नेह का भाव, दूसरे के लिए केयर का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव और श्रेष्ठता का भाव भी देख पाई। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हर वक्त नहीं कर पाती हूँ और है ना ये समझ पा रही हूँ कि अपने भाव विचार को ऑब्जर्व कर सकती हूँ और अलग अलग करके भी थोड़ा थोड़ा देखना हो जाता है। और इस बार मैंने काफी ये देखा कि एक्सपेक्टेशन के लेवल पर है ना कई जगह एक्सपेक्टेशंस दिखी और उसी एक्सपेक्टेशन के वजह से अपने आप में जो अनहैप्पीनेस की फीलिंग बनती है मैं उसको ऑब्जर्व कर पाई कि एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं थी, उस वजह से ना भाव जो बिगड़ा हुआ था मैं उसको देख पाई। इस बैच में मुझे थोड़ा ये भी जांचने का मौका मिला कि भाव को इवैल्यूएट करना या फिर प्रतिक्रिया करके उसको हटाना और आराम में आना ना, ये दोनों को मैं डिस्टिंग्विश कर पाई थोड़ा। तो मुझे कुछ कुछ जगह ऐसा लग रहा था कि मैं शायद भाव को देखकर उसको हटाने का प्रयास करती हूँ तो उस टाइम आराम में तो आ जाती हूँ, लेकिन उसके पीछे के संस्कार को और है ना और उसको ठीक करने के हिसाब से शायद नहीं कर रही थी। तो फिर इस बार मेरा ध्यान बना कि इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, तो उस पर ज्यादा ध्यान बना और मैं उसको देख पाई। फिर पहले एक्सरसाइज 1 के स्टेप्स को घटना के बाद या किसी के इंटरेक्शन के बाद ही एनालिसिस में बाद में कर पाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा गति हुई है ना, तो साइमल्टेनियसली मतलब रन टाइम में भी एक्सरसाइज 1 हो पा रही है ना। तो लगातार एक्सरसाइज करने से हो पाया है तो फिर इस बात पर विश्वास भी बनता है कि और मतलब देखना है। तो जैसे गणेश सर भी कहते हैं कि है ना ये डिसीजन बनाए रखें कि हमको ऑब्जर्व करना है, तो ये डिसीजन है ना ये निर्णय मैं बनाने का प्रयास करती रहती हूँ। तो काफी बार ऑब्जर्वेशन होता है लेकिन कई बार बहुत बेहोशी भी होती है और कई बार प्रतिक्रिया भी होती रहती है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है ना। जैसे अभी जब मैंने यहाँ से नौकरी छोड़ी थी अपनी, मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रही थी, तो जब मेरी फेयरवेल पार्टी थी या उससे पहले के भी जितने भी दिन मैंने वहाँ है ना वो नोटिस पीरियड में काम किया, क्योंकि 23 साल का पुराना अभ्यास था वहीं पे कंफर्टेबली काम कर रही थी, तो अपने भाव विचार को मैं ऑब्जर्व कर रही थी, तो उस वक्त मेरा ऑब्जर्वेशन मोड काफी अच्छा बना रहा। तो मैं देख पाई कि है ना मैं नॉर्मल बनी रही, वरना तो ऐसा भी होता कि विचार भाव गलत भी आते हैं, रिएक्शन भी चलता ना और इमोशनल भी होती, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वेशन बना रहा
तो मैं अपने भावों को साथ साथ इवैल्यूएट कर पा रही थी और सहज हो रही थी, तो ऐसा मुझे अपने में लगा। और फिर एक्सरसाइज 1 से कुछ संस्कार तो पहले भी दिखाई दे रहे थे ना, अभी ऐसा लग रहा है कि उसमें से कुछ संस्कार जो है इवैल्यूएट भी होने लग रहे हैं और कुछ लूज भी हुए हैं ना, जैसे बॉडी के रूप रंग के बेसिस पर अपने को इवैल्यूएट करना और उसी आधार पर फिर स्वयं में अविश्वास बनना और फिर बहुत सारे ऐसे थॉट्स चलाना है ना, और वो अनहैप्पी होना, तो ये तो ऐसा लग रहा है पिछले 6-8 महीने से बिल्कुल नहीं हुआ है। और फिर ये भी पहले बहुत ये था कि दूसरा मेरी बात को मानता क्यों नहीं है ना, तो जब भी इंटरेक्शन करती थी तो यही एक्सपेक्टेशन बनी रहती थी कि मेरी बात को मान ले, कि जो मैं कह रही हूँ उसको सुने और ना उसको ठीक माने। लेकिन अभी मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ये देख पा रही हूँ कि मेरा ये भाव नहीं बनता, एक्सपेक्टेशन नहीं बनती, मेरा ध्यान इस बात पर बना रहता है कि कैसे वो जो कोई बात है ना, कोई प्रपोजल है, वो मैं उनको उनके सामने रख दूँ ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं बनती कि अभी उसको मान ले, तो इससे मैं काफी आराम में रहती हूँ और मैं अपनी बात को रख पाती हूँ उनके आगे ना। और मुझे लगता था कि मैं दूसरे से भाव पाने की कोशिश नहीं करती, तो मुझ में वो संस्कार कम है, लेकिन अभी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन में मुझे दिखाई दिया कि जितना भी मैं कोई जो भी कोई काम कॉलेज में परिवार में करती हूँ, मुझे लगता था कि मैं जिम्मेदारी के भाव से करती हूँ, कि मुझ में मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करती हूँ, पर अभी मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि मुझ में फियर का भाव भी दिखाई देता था ना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी तो दूसरा क्या कहेगा, वो मुझे ठीक नहीं मानेगा, मुझे अंडर इवेल्युएट करेगा कि मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ या ये तो इसको करना ही चाहिए, तो मैं इस तरह पकड़ पाई कि मैं कहीं ना कहीं दूसरे से फीलिंग को एक्सपेक्ट करते हुए ही बहुत सारा काम कर रही हूँ ना, जिम्मेदारी तो ले ही रही हूँ लेकिन भाव जो है वो यही बना रहता है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए ना, कम से कम सामने वाले से गलत भाव तो ना मुझे मिले, वो मेरा अंडर इवेल्युएशन तो ना करे, तो इसी इसी भाव से बहुत सारा मैं काम करती रहती थी। कॉलेज जाती थी तो परिवार में लोग क्या कहेंगे कि ये तो कॉलेज जाती है, घर का ध्यान नहीं रखती, बच्चों का नहीं ध्यान रखती है ना, तो फिर मैं सभी काम करती रहती थी ताकि किसी को कोई शिकायत ना बने ना, मुझे लगता था कि मैं जिम्मेदारी के भाव से करती हूँ, पर अभी दिखाई दिया कि उनसे उपेक्षा ना मिले इस भाव से करती हूँ ना। कॉलेज में भी बहुत सारा इसी तरह करती रहती थी कि पहले काफी ज्यादा काम करने का अभ्यास है तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे आगे आगे प्रमोशन मिलते रहे, डायरेक्टर के पद पे भी मुझे प्रमोशन मिला, तो सारा यही बना रहता था, उतनी कॉम्पिटेंस मुझे अपने में दिखाई नहीं देती थी, तो यही बना रहता था कि इतने बड़े पद पर हूँ है ना, क्या लोग कहेंगे कि ये भी नहीं काम कर पाती, ऐसा भी नहीं कर पाती, सैलरी भी ले रही है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें मुझ में बनी रहती थी जिसके चलते हुए मैं बहुत सारा काम करती रहती थी ना। और लेकिन जब मेरा नोटिस पीरियड था तब तो मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब मतलब ये जो बात है कि दूसरा क्या कहेगा ये हटी मेरे वहां से ना, तो एक्सपेक्टेशंस हटी, तो मैं वो 2 महीने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बिना प्रतिक्रिया किए बहुत अच्छे से काम को कर पाई, तो एक ग्लिम्स तो मुझे मिला उस बात का कि है ना, सिर्फ जिम्मेदारी के भाव से बिना ये एक्सपेक्ट किए कि दूसरा मेरे को क्या कहेगा, अगर मैं वैसा कर पाती हूँ तो मैं और बेटर कर पाती हूँ ना, तो वो फियर नहीं बना रहता मुझ में। और फिर ना पहले पहले तो ये भी लगता था कि मैं अपना अंडर इवेल्युएशन ज्यादा करती हूँ और बहुत बार डिप्रेशन में ही होती हूँ, मुझे लगता था कि मैं ओवर इवेल्युएट तो बिल्कुल ही नहीं करती, बट अभी जब भी, और अपने आप को विक्टिम भी बहुत जगह मानती थी, लेकिन अब जब ऑब्जर्वेशन होता है तो बहुत बार दिखाई देता है कि मुझे ये भाव बनता है कि मैं इनसे अच्छी हूँ ना, कि मैं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत जिम्मेदारी से काम करती हूँ,
मैं तो बहुत ज्यादा काम करती हूँ ना, मैं इनके जैसी नहीं हूँ ना। तो मतलब अपने को दूसरे से अलग देखने का जो संस्कार है वो मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है और ध्यान में बन रहा है, लेकिन अभी इसका परिमार्जन होना तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। और लेकिन इस तरह बहुत सारे डीप रूटेड संस्कार अपने में बने ही हुए हैं, और ये तो विश्वास बन रहा है कि एक्सरसाइज वन में अगर ऑब्जर्व करते रहते हैं प्रतिक्रिया किए बगैर, और अपनी सहज स्वीकृति को है ना आधार में रख के, तो बहुत सारे ये संस्कार हमको दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे है ना हम उनको इवैल्यूएट भी कर पाते हैं, और फिर ना इस प्रोसेस में ये उम्मीद बनती है कि कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही पाएगा। लेकिन अभी ये भी मैं जांचने का प्रयास कर रही हूँ कि एक्सरसाइज करते हुए, ये स्टेप्स को करते हुए जो भी मेरा हार्मनी में कभी आना हो जाता है, तो क्या वो भी सहज स्वीकृति के आधार पर ही हो रहा है, या अभी भी वहां पर कोई मान्यता काम कर रही है ना, कि किसी स्थिति परिस्थिति में मैंने ऐसा माना हुआ है तो मैं वैसा कर पाती हूँ और उस आधार पे ना मैं हार्मनी में आ जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इवेल्युएट कर पाई। तो अभी ये जांच परख मैं कर रही हूँ अभी, और एक्सरसाइज वन है ना से मुझे ये मतलब मुझे लगता है कि चलते फिरते भी ऑब्जर्वेशन का काम तो होता ही है ना, लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया है कि बैठकर या कुछ टाइम अलग से निकाल कर है ना करने लगते हैं तो और ज्यादा इवेल्युएशन ठीक कर पाते हैं, भाव विचार और ज्यादा है ना सही तरीके से दिखने लगते हैं। और मैं इवन बैठकर लिखने का काम भी नहीं करती थी, क्योंकि संस्कार यही बना हुआ कि बहुत ज्यादा काम बाहर करती रहती हूँ तो बैठना हो ही नहीं पाता, और बैठती भी हूँ तो भी कुछ ना कुछ बाहर का याद आता है तो पहले प्रायोरिटी बनती है कि उसको कर लूँ, तो और फिर मैं ये करना छोड़ देती हूँ। तो इसलिए जो चलते फिरते ऑब्जर्वेशन हुआ है ना उसको भी कभी लिखना भी नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा भी जब जब अब पिछले 6 महीनों में जब जब भी अपने ऑब्जर्वेशन को लिखा है मैंने, तो मुझे ये स्पष्टता हुई है कि वो ज्यादा बेटर और क्लैरिटी होती है, और मुझे वो ध्यान में भी बना रहता है। फिर इसलिए फिर बार बार ये डिसीजन होता है कि कुछ समय अलग से निकाल कर बैठना है और फिर है ना अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है, पर अभी उतना कर नहीं पा रही हूँ। डिसीजन तो लेती हूँ पर चेंज होता रह रहा है अभी ना। और एक्सरसाइज टू को देखूं तो मुझमें ये मुझे ये समझ आया कि शरीर के माध्यम से या शरीर से जो संवेदना मिल रही है उसको मैं ना पढ़ पा रही हूँ, और जब ऑब्जर्वेशन करती हूँ तो फिर जो ट्रांजेक्शन है वो भी दिख पाता है, शरीर और मेरे बीच में जो ट्रांजेक्शन है मैं उसको देख पाती हूँ, और वो इंफॉर्मेशन रूप में ही है ना, ये भी ध्यान में बनता है। अभी इसकी मेरे को लगता है मतलब दो प्रकार से ही मैं इसको देख पाती हूँ, या तो मैं निर्णय पूर्वक बैठकर संवेदना और ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व करूँ तो कुछ दिख पाता है, जैसे कि अभी UHP 3 में भी गए थे तो सुबह के सत्र में है ना, यहाँ तो घर पे सारा काम करते हुए करते हैं और दिन में भी अलग से टाइम निकाल के नहीं देख पाते, लेकिन वहाँ बैठ कर ना पूरा कंसेंट्रेशन से किया तो ज्यादा ध्यान बनता है और ज्यादा अच्छी तरह से ना वो क्लियर होती हैं, ट्रांजेक्शन भी दिखती हैं ना। या फिर जैसे पहले एक्सरसाइज में भैया कहते थे कि कुछ कुछ काम करते हुए उसे स्लो डाउन करते हुए है ना हम कुछ ध्यान बनाए, तो वहां पे भी दिखता है, पर लेकिन अब दोनों ही काम मुझसे प्रॉपरली नहीं हो पाते, निर्णय पूर्वक बैठने का ऑब्जर्व करने का भी काम नहीं होता, और जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी स्लो स्लो नहीं कर पाती, जल्दी जल्दी करने का अभ्यास ही है, तो इसलिए ये अच्छी तरह हो नहीं पाता, मतलब ये रेगुलर कंटिन्यूटी में मेरी ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज टू को लेके नहीं हो पा रही है ना। पर इतना जितना भी अभ्यास हुआ है संवेदना को पढ़ना, उसको पढ़ने का निर्णय है ना वो मेरा ही है, और संवेदना को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या निर्णय पूर्वक संवेदना से ध्यान हटाकर ना मतलब ध्यान किसी और जगह भी लग पाता है ऐसा भी देख पा रही हूँ, तो ऐसी समझ एक्सरसाइज टू से बन रही है। और कौन कौन से स्टेप को अच्छी तरह देख पाती हूँ, तो एक्सरसाइज वन में जो स्टेप वन है
क्योंकि 8 सत्रों से अभ्यास कर रही हूँ, तो है ना कहीं ये स्टेप इतना पावरफुल दिखाई देता है कि चलते फिरते भी काम करते हुए भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो लेकिन अगर और गति और सूक्ष्मता से करना करने है ना करने लगूंगी तो शायद और कंटिन्यूटी में और है ना इंटेंसिटी में होने लगेगा ऐसा लगता है। फिर स्टेप 2, 3, 4 की भाव असहज है कि सहज है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, भाव का निर्णय कौन ले रहा है, मान्यता वश ले रही हूँ कि समझ के आधार पर ले रही हूँ। तो इन सबको जब भी ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है तो मैं देख पाती हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन ही तो निरंतर नहीं हो रहा है ना, ऐसा भी दिखता है। जैसे मैंने कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन किया तो ऐसा दिखाई दिया कि मैं अगर ये सोचती हूँ कि है ना बेटा, तो जैसे कोई बात है बेटे से एक्सपेक्टेशन बनती है तो ऐसा सोचने लगती है कोई बेटा तो करता ही नहीं है, और हस्बैंड को भी जितना मर्जी कह लो उन्होंने कौन सा करके देना है ना, इस तरह के विचार बनते हैं, उनके प्रति अविश्वास का भाव बनता है। तो मैं अपने आप में मुझे वो ठीक नहीं लगता, मेरे को एक असहजता एक अनकंफर्टेबल फीलिंग बनती है। लेकिन अगर दूसरे ही पल है ना ऐसा भाव ऐसा विचार करती हूँ कि नहीं बेटा काफी कोशिश कर रहा है, कई बार कर भी लेता है लेकिन कई बार उससे होता भी नहीं है ना, या हस्बैंड मतलब बहुत सारे काम में कई बार भूल जाते हैं और बहुत सारे काम करके भी आते हैं, तो ऐसा विचार चलता है तो फिर मुझे लगता है कि मेरे को वो आराम देता है ना। तो वो जो आराम दे रहा है तो फिर जब उसको इवेल्युएट करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनके प्रति विश्वास का भाव ना संबंध के भाव ये मुझे ठीक लगता है, ये मुझे आराम देते हैं ना। तो दिखता है कि संबंध का भाव व्यवस्था का भाव ना कि वो मुझे सुखी करना चाह रहे हैं, तो जब मैं उसको अपने अंदर देखती हूँ तो मैं वहां पे वो मुझे सहज स्वीकार होता है। और जब भी विरोध और अव्यवस्था का भाव है ना मेरे में विचार चलते हैं उसको लेके तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो फिर इतना भी कि विरोध या अव्यवस्था का भाव क्यों होता है तो जब उसको और ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरा मान्यता पर भी ध्यान बनता है, वहां दिखता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस रियलिटी के बारे में है ना अभी जैसा है वैसा नहीं देख पा रही हूँ, आगे पीछे का कुछ जोड़ लेती हूँ है ना उसके मानने के आधार पर देखने लगती हूँ तो विरोध बनता है। उस समय जैसी स्थिति जैसा है उसका बिल्कुल उसको वैसा ही देखती हूँ तो फिर वो विरोध चला जाता है और फिर वो सहजता आने लगती है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन थोड़ा शार्प हो रहा है, लेकिन निरंतर ये ऑब्जर्वेशन बना रहे और अभ्यास की कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए बार बार निर्णय लेना है और उस निर्णय को अपने अंदर दोहराने की भी कोशिश करती हूँ ना, तो इसका प्रयास हो रहा है। और एक्सरसाइज 2 को देखूँ तो स्टेप 1, 2, 4 पर ऑब्जर्वेशन तो हो पाता है लेकिन वो निरंतरता में बनाने का प्रयास कर रही हूँ ना। फिर स्टेप 5, 6 A और 6 B, तो जब भी ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब मेरी शार्प होती है मैं बैठ पाती हूँ, तो सभी जैसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं मच्छर के लिए, पंखे की हवा के साथ है ना, या फेस पर बाल आने के लिए, गर्मी बरसात, ये सभी सेंसेशंस का शरीर पर प्रभाव, उसको अर्थ देना, उसके पीछे के संस्कार को देखना, रिएक्शन रिस्पॉन्स करना, इन सभी को ऑब्जर्व कर पाती हूँ ना। दूसरे का व्यवहार कार्य ना वहां से जो सूचना आ रही है, वहां से जो सेंसेशन हो रही है उसको पढ़ना, उसको अर्थ देना और फिर रिस्पॉन्ड करना बहुत बार होता है जब ऑब्जर्वेशन बना होता है, लेकिन ज्यादा बार तो बेहोशी में ही हो जाता है सब कुछ है ना। और कुछ कुछ टाइम अभी साइमल्टेनियसली भी हो रहा है ना कि मैं सारी चीज को ध्यान ऑब्जर्वेशन करते हुए सामने रिस्पॉन्स भी कर पाई हूँ और कई बार रिएक्शन भी हुआ है ऐसा ध्यान में आता है। तो इन तीनों स्टेप्स को करना महत्वपूर्ण है इसलिए लगता है ना क्योंकि संस्कार यहाँ पर ही दिखाई देते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट, ये तीनों स्टेप्स करने बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसको करने का निर्णय लेती हूँ ना। जैसे अभी UHV 3 में गई थी तो जब रूम अलॉटमेंट हुई तो जैसे मेरे साथ NWR से जो भी गए थे
सबको इकट्ठे रूम अलॉटमेंट हुई, तो मैं अभी अकेली थी रूम में। तो पहली पहले दिन पहले रात को मैं जब रूम में अकेले थी, तो मुझे क्योंकि वहाँ काफी खाली खाली था और पीछे जंगल जैसा ही था, तो मैंने अपने अंदर दिखाई, मुझे जो संवेदना मैं पढ़ पाई कि मुझे थोड़ा फियर का भाव दिखाई दिया ना। तो ये फिर मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो कहाँ से बना वो फियर का भाव, हालांकि बहुत बार और भी दिखा है, बट उस बार ऑब्जर्वेशन कर पाई और कहाँ से बना बना संस्कार वो सब कुछ देख पाई। और फिर ये भी थोड़ा ध्यान बना कि मतलब मैं अलग अलग अर्थ देती हूँ, कि जब जब कहीं खाली खाली जगह है, अंधेरा है, पेड़ पौधे हैं ना, पशु पक्षियों की आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, इसकी सेंसेशन पहुंचती है, और रात का टाइम है, तो मैं एक तरह का अर्थ देती हूँ। लेकिन अगर सुबह ना वैसा ही है, खाली खाली है ना, सुबह वॉक के लिए निकलती हूँ, पेड़ पौधों को देखती हूँ, पशु पक्षियों की आवाजें सुनती हूँ, तो सब कुछ कितना व्यवस्थित है ना, कितनी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसा सब अर्थ देने लगती हूँ। तो अर्थ मैं ही दे रही हूँ और कोई ना कोई संस्कार बना हुआ उसके पीछे से मैं ये अर्थ देती हूँ, तो ये दिखने लगता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन को और ना बनाए रखना इम्पोर्टेंट है ना। और फिर स्टेप 7 को देखूं तो शून्य को खाली स्थान के रूप में विचारों विचारों में ना देखने का भी प्रयास करती हूँ। एनालिसिस भी करना होता है कि शून्य में बने रहने से ना, शून्य में बने होने से ना, मेरा शरीर, मैं, दूसरी इकाइयाँ, ये सब व्यवस्थित है, क्रियाशील है, तो विचारों में ये सब चलता है, और उससे भी विचारों में हार्मनी दिखाई देती है अभी। लेकिन यहाँ से ऊपर उठ के आगे और ऑब्जर्वेशन और सूक्ष्मता से देखने की योग्यता अभी नहीं बनी है, ये भी है ना लग रहा है। लेकिन ये आश्वस्ति बनी है कि एक्सरसाइज 1 2 को करते हुए जितना जितना सूक्ष्म हम अपने को देखे देख पाएंगे, तो स्टेप 7 पर भी काम हो पाएगा। तो ये बात दिखाई देती है। अभी सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो जितना भी कंटेंट को सुनते हैं, मनन करते हैं, और जो कुछ भी अभ्यास हो पा रहा है, तो ये तो निष्कर्ष बनता ही है कि सुख स्वभाव है। लेकिन जब जब भी ऑब्जर्वर के स्टेट में स्टेप्स को, एक्सरसाइज स्टेप्स को ना करने के साथ हार्मनी बनती दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि सही समझ, सही भाव विचार से अपने में सुख बना है, और उसको हम महसूस भी कर पाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सुख मेरा स्वभाव है, तो उसको उसका कुछ कुछ ग्लिम्स भी मिलता दिखाई देता है। पर ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, निरंतर ऑब्जर्वर स्टेट में बने रहने का मन बनता है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। निर्णय भी लेती हूँ लेकिन होता नहीं है अभी। और जहां जहां भी ऑब्जर्वेशन नहीं होता, वहां मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखता है कि प्रभाव में सुखी होने का प्रोग्राम बनता है। और जैसे कि अभी पहले भी दिखाई दिया कि है ना, दूसरे से भाव पाने के अर्थ में ही ज्यादा प्रोग्राम है ना बनता रहता है, मतलब सेंसेशन के अर्थ में कम बनता है, लेकिन दूसरा नाराज ना हो, दूसरा मुझे कुछ गलत ना कहे, उसी उस उसी के मतलब उसमें प्रभाव से सुखी होने के अर्थ में ही प्रोग्राम बनता दिखाई देता है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी एक उपकार है, और कुछ कुछ केसेस में उसको ठीक से भी कर पाए हैं, ठीक करने की कोशिश भी की है, ये भी एक उपकार है ना। तो इसलिए आश्वस्ति तो है कि ऑब्जर्वेशन शार्प होगा तो हम स्वभाव में भी हो पाएंगे ना, और स्वभाव में भी प्रोग्राम बना पाएंगे। और अभी देखूं तो बॉडी के अर्थ में करती हूँ, मतलब जो मेरे प्रोग्राम बॉडी के अर्थ में है कि सेल्फ के अर्थ में है, तो ज्यादा तो अभी बॉडी के अर्थ में ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि 50 से 60% टाइम तो प्रोग्राम तो बॉडी के अर्थ में ही लगा रही हूँ, सेल्फ के अर्थ में लगा है, थोड़ा बढ़ा है, बट उसमें भी मान्यताओं के आधार पर ही ज्यादा हो रहा है। तो कम से कम 40% का अपना जो समय और प्रोग्राम मेरे मान्यताओं के आधार पर ही हो रहे हैं, ऐसा लगता है सिर्फ 5-10% जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है। लेकिन ये सब इवेलुएट हो रहा है, तो एक थोड़ा आश्वस्ति बनती है कि आगे और ठीक कर पाऊंगी।
ये तो कमिटमेंट है ही कि स्वयं में समझने के लिए ये सब करना इम्पोर्टेंट ही लगता है, तो कमिटमेंट बनती है कि है ना इसके साथ आगे और बढ़ना है। और फिर स्वयं की समझ के लिए बाहर से बहुत सारा पढ़कर सुनकर इनपुट लेना तो मैं कर ही रही हूँ ना, 2 से 3 घंटे लगाती हूँ, 2 घंटे सुबह लगाती हूँ, 1 घंटा ना शाम को भी लगाती हूँ, प्रयास करती हूँ, तो वो मैं कर ही रही हूँ, उसकी कमिटमेंट भी बनती है। फिर सामाजिक भागीदारी भी अब बहुत ये दिखाई देती है कि खुद में ना जिम्मेदारी तो बहुत लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो किस अर्थ में करती हूँ, पीछे के संस्कार को देख पाती हूँ, तो देख पाती हूँ कि मतलब स्वयं में जिम्मेदारी के भाव से करूंगी तो ज्यादा सही कर पाऊंगी, अदरवाइज अभी तो फिर बहुत सारा ले लेती हूँ जिम्मेदारी लेकिन हो नहीं पाती है ना। तो 2 घंटे तो फिर भी प्रयास करती हूँ, करती रहती हूँ, तो जिम्मेदारी मैं लेती रहती हूँ, और परिवार में भी जो भागीदारी कर रही हूँ वहां पे भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो इतनी सी बात थी, काफी सारा समय ले लिया मैंने जी। दीदी धन्यवाद, दीदी सभी सभी का मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद, और पूरी टीम को, UHV टीम को, और पूरी परंपरा के प्रति ना बहुत सारा कृतज्ञता का भाव बनता है जी। सभी को धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी शेयरिंग को रखा। और मैं दीदी के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि दीदी के साथ कई सारी वर्कशॉप में इकट्ठे हमारा जाना हुआ, दीदी के घर पे भी कई बार जाना हुआ। सबसे ज़्यादा मेरी बात मनीषा दीदी से ही होती है। तो दीदी बहुत सरल हैं और अपने आप को अंडर इवैल्यूएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा मुझे दिखता है। पर मैंने दीदी से बहुत कुछ सीखा है। और अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी संस्कार जो नहीं रिजॉल्व हो पा रहा, हम आपस में डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मुझे तो दीदी के लिए बहुत कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि दीदी से बहुत कुछ सीखती हूँ। जी जी। दीदी मेरा तो कुछ सेम ऐसा ही है, मेरी बहुत सारी बात आपसे ही होती है और बहुत सारा कुछ आप ही से सीखना होता है। आपको ऑब्जर्व करती हूँ, आप जैसे बात को रखते हैं, जो भी बात रखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे को अपने लिए पॉइंट निकालने को मिलता है, तो मैं तो खुद आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो ये तो वही जैसे कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी है दीदी, तो ये तो मुझे आपके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव है, और आपके साथ बहुत ज्यादा जाना आना हो रहा है, हम वर्कशॉप में भी इकट्ठे जा पाते हैं, तो बहुत एक सहजता का भी महसूस होता है और बहुत कृतज्ञता का भाव भी बनता है जी। दीदी धन्यवाद, जी धन्यवाद। पहुंच रही हूँ भैया। बहुत ही अच्छी यानी डीप आपने सारा का सारा जिसे क्या बोलते हैं ओपन हार्टेड बताया है, तो और मैंने आपको देखा भी, हम साथ साथ में बैठ के नोट भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे कानपुर में। तो दीदी आपके शेयरिंग से मुझे एक चीज तो हमारी दोनों की मतलब सेम लग रही है कि नोटिंग करने से जो ऑब्जर्वेशन बढ़ता है या अपने आप में समझ बढ़ती है, मैं मानता हूँ एकदम करेक्ट है। लेकिन दूसरा जो आपने बताया वहां पर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि आपने बोला कि मैं जब भी बाहरी परिस्थिति को देखती हूँ दूसरे क्या बोलेंगे, भाव दूसरे का, तो इसमें मेरा थोड़ा सा खुद को मेरा अपोजिट है, दूसरे की तरफ देखे बिना ही मैं हमेशा करते रहता हूँ। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगला भी सुखी होना चाहता है, जब मैं सुखी होना चाहता हूँ तो वो भी सुखी होना चाहता है, तो मेरे बात करने से या मेरे कुछ करने से वो अपना भाव क्यों बिगाड़ेगा, या मेरा भाव क्यों बिगड़ना चाहिए, या मैं क्यों वो भाव से क्या बोलते हैं विचलित होना चाहिए, इस पे दीदी थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू दीदी जी भैया, ठीक बात जी। है। जब से थोड़ा ऑब्जर्वेशन बन रहा है, मैं पिछले 6-8 महीने में इस बात को कर लेती हूँ कि ये जो जो भी ना भाव विचार हमारे ऐसे चलते हैं, तो मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। उसको ऐसा वो सहज स्वीकार्यता के या जो भी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर मैं उसको ठीक कर लेती हूँ, कर पाती हूँ। लेकिन ये मेरे अभी तक के जो मैंने इतने सालों काम किया और बहुत मतलब उसको जब भी इवेल्युएट करती हूँ पीछे, तो मेरे मेरे को ये दिखाई दिया है कि मैं बहुत सारा ऐसा समझती थी कि मुझे है ना, मैं इतना सारा काम करती हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियां लेती हूँ, जी तो ऐसा बनता रहता था। तो मैंने उसको इवेल्युएट किया तो मुझे भी ध्यान में आया कि मैं जो जिम्मेदारी लेती हूँ वो फियर के भाव से ही लेती हूँ, या दूसरे के जी वो कि वो मुझे अंडर इवेल्युएट ना कर दे, उसी अर्थ में जी मैं ज्यादा लेती हूँ। मतलब मैं इस चीज को देख पाई और ये संस्कार अभी भी है,
अगर ऑब्जर्वर नहीं हूँ, है ना, अगर ऑब्जर्व नहीं कर रही होती तो हो सकता है इसके अर्थ में कुछ कुछ कर रही होती हूँ, और बहुत बात करती भी हूँ, बाद में ध्यान बनता है इसको जी धीरे धीरे। भैया अब काफी डीप संस्कार लग रहा है मुझे, इसको धीरे धीरे देखना है मुझे, और मैं ध्यान देके इसको ठीक करने का की कोशिश कर रही हूँ। और अभी कई बार हो जाता है, कई बार ध्यान में जी आता है और फिर मैं उसको ठीक कर पाती हूँ। जी जी नहीं, मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब आपको जो दिख रहा है उसके अपोजिट दिखता है, तो क्या वो ठीक चल रहा है मेरा कि मेरा भी हाँ गलत चल भैया, रहा अगर सहज स्वीकार होता है ना, मतलब हर चीज को फिर अपनी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर अपने लिए तो मैं ही कंक्लूड करती हूँ। अदरवाइज अभी तक इतनी शार्प ऑब्जर्वेशन नहीं हुई तो मान के ही चल रही थी कि ये तो मैं कर ही रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी को लेके ही कर रही हूँ, वो तो है? मेरे को ऐसा ही, मैंने ऐसे मान लिया था तो मेरे को ऐसा ही दिखता था। लेकिन जैसे जैसे डीप हुआ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ फिर इतनी जिम्मेदारी लेने के बाद भी ऐसा मुझ में, है ना, कई बार वो बनता है, मैं दूसरे से जी एक्सपेक्ट करती हूँ और मुझ में दुख परेशानी बनती है, तो फिर ऐसा क्यों जी बनता है। तो जो ऑब्जर्वेशन हुआ तो मेरे को ये लगा कि ये कारण है, ये संस्कार है। और जब अभी मैंने जैसे बताया कि कॉलेज में जब मैंने नोटिस पीरियड में थी, तो इससे अलग होके मैंने जितना भी काम किया 2 महीने, तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे में वो फियर जो था ना कि कैसे लोग क्या कहेंगे, है ना, कि मैं मतलब वो सब हटा के जब मैंने काम किया तो मैं ज्यादा सहज थी, और मैं करेक्ट सहज भी थी, और मैंने अच्छा, मुझे अपने लिए अच्छा भी लगा। और फिर किसी से वो भी नहीं बनता था कि ना कोई कुछ कहे, चाहे वो जी जी मतलब जी प्रेज करना, ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रेज करे या मेरे काम को अप्रिशिएट करे, वैसा नहीं है, लेकिन जी दूसरा रूप है कि कोई कम से कम कुछ गलत नहीं कहे ना। जी और जी कभी जी कभी मतलब मेरे को कुछ कहता भी है तो जो पहले कुछ किया हुआ मैंने उसको ध्यान रखे, उसको अप्रिशिएट करते हुए कहे, ऐसी मेरी जी जी एक्सपेक्टेशन बनती थी। जी 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 दीदी, बहुत ही अच्छा आपने बताया, मैं भी अपने आप के लिए देखूंगा कि शेयरिंग बहुत अच्छी रही। दीदी, जी आजकल मैं पंचकुला में हूँ, चंडीगढ़ के पास, पिछले करीब 9-10 महीने से। जी तो भैया, कल तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने परिवार के सदस्य जब उन्हें हम कहते हैं कि आप भी करिए, आप भी इसमें जुड़िए, तो उनका कहना ये होता है, बोले आप जैसा अपना नहीं बनना, ना तो आप कोई सामान खरीदते हो, ना आपको किसी से कोई ज्यादा वो रहता है, कोई कुछ भी कह जाए, ठीक है ना, बोले आप हाँ तो महान आत्मा, तो उन्हें कैसे फिर प्रेरित किया जाए? जैसे घर के मेंबर्स हैं, उनसे कहते हैं आप भी करिए, तो उनका कहना ये होता है कि बोले ना तो आप कोई सामान खरीदते हो, ले आते हैं सामान आपके लिए, उसे यूज नहीं करते हो, और ना आपको कोई खाने से मतलब रहता है, तो आप एक महान आत्मा बन गए, आप जैसा हमें नहीं बन। एक जी क्वेश्चन तो ये है मेरा। दूसरा ये है, मैं पंचकुला में हूं, यहाँ पे मैं देखता हूँ आसपास, अभी हम कसौली गए तो हमने जाके देखा, वहां कसौली में कुछ नहीं है, ऊपर जाके केवल कैंट है, आर्मी ऑफिसर्स के कुछ क्वार्टर है, और शिमला रोड से लेकर वहां तक केवल दोनों तरफ होटल ही बने हुए हैं, वहां केवल आदमी रुकने के लिए जाते हैं, और मतलब का सैटरडे संडे में ये हालत हो जाती है, वहां जाम लगे रहते हैं। और मैं पंजाब में इधर देखता हूँ, हमारे कई जानने वाले भी हैं, नसार ये सब बॉडी सेंसेशन पे इतनी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और वर्तमान स्थिति भी यही है, तो फिजिकल फैसिलिटी ज्यादा होने का रिजल्ट है, क्या हुआ इस तरह से यहाँ पे? जी जी भैया, मैं पहले पहले वाले क्वेश्चन को आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। भैया, जी ऐसी स्थिति मेरे परिवार में भी है, मतलब सभी जैसे हस्बैंड हैं, बच्चे भी हैं और भाई बहन भी हैं, तो उनको मेरी बातें अलग लगती हैं और वो मुझे भी इस तरह से ही कई बार टीज करते हैं। बट पहले पहले मैं इवेल्युएट करती रहती थी कि मैं मतलब क्या ठीक कर रही हूँ, क्या ऐसा ठीक है। तो लेकिन मुझे हमेशा ही अपनी अंदर से यही दिखाई देता था कि जीना तो ऐसा ही ठीक है। तो ठीक बात है कि अभी हम सब लोग ऐसा जी नहीं पा रहे हैं, और अभी बहुत सारा
वो जो संस्कार बना ही हुआ है सुविधा को, सुविधा से सुख लेने का, शरीर से सुख लेने का, तो सुख का दूसरा सोर्स तो दिखाई नहीं दे रहा ना अभी। जो हम एक्चुअल सोर्स की बात करते हैं कि अपने में समझ, समझ के भाव पे सही, समझ के आधार पर सही भाव और फिर विचार, तो ये सोर्स जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक तो फिर वो उनको ऐसा लगने लगता है कि जो ये वाला सोर्स है ना कि बॉडी से सुख ले लें और सुविधा से सुख ले लें तो वो भी छिन जाएगा, तो फिर उस तरह से उनका फिर वैसा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अब ये ना सोचते हुए कि वो इन सब चीजों को अभी कर ही लें, जैसे मैंने बताया मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे बिल्कुल वो हो गई है कि बनी रहती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अभी कर लें, तो मैं अपने ऊपर ही, मेरी भी कॉम्पिटेंस अभी नहीं है ऐसा दिखाई देता है कि मैं उस उन तक उनके लेवल पर आके बात को बता पाऊं। अभी मैं बहुत बार कई कई प्रपोजल रख देती हूँ बच्चों के आगे भी, है ना, हस्बैंड, जैसे अभी मेरे बेटे का बर्थडे था परसों, तो जैसे मुझे भी ज्यादा शौक नहीं है वो फेसबुक और इंस्टा पे रहने का, बेटा भी ऐसा ही दिखता है कि उसको भी बहुत ज्यादा है नहीं है, तो लेकिन अब उसको फोटोग्राफी का शौक है इसलिए इंस्टा उसने कुछ दिनों से चलाया है, अभी आजकल देख रहा होगा रील्स आती हैं बर्थडे पे, तो मुझे कह रहा था कि मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पे उस रील डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने उसको विश किया, बहुत सारे अप्रिशिएट किया, तो फिर मैं उसी को ही प्रपोजल रूप में उससे पूछ रही थी कि तुझे अच्छा लगता है कि बाहर से बहुत सारे लोग तेरे को अप्रिशिएट करें, तो फिर तू कोई बात नहीं है तो, है ना, तू अपने फ्रेंड की के लिए अच्छी फीलिंग्स को उसमें एक्सप्रेस कर, है ना, इंस्टा पे, वो तेरे लिए करेगा, तो तुम एक दूसरे के लिए करो और फिर लोग भी करेंगे तुमको। लेकिन इसको भी ध्यान में रखो कि ये एवरी टाइम ऐसा होता रहेगा कि तुम लोग तुम्हारे लिए अच्छी फीलिंग्स और विशेस एक्सप्रेस करते रहेंगे, है ना, तो ये तो होना होगा, तुझे तू चेक कर ले, ये होगा कि एवरी टाइम तेरे को मिलती रहे उनसे विशेस, है ना, कभी वो भूल भी जाएंगे कभी नहीं भी करेंगे, तो ये आउटर सोर्स है ना कंफर्टेबल होने का, हैप्पीनेस होने का, तो इस तरह से मैंने उसको बात रखी, तो चाहे वो अभी नहीं माना लेकिन उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मम्मा ठीक तो है, और मैं देखता हूँ कि मुझे उतना जरूरत भी नहीं है, अब वो करे आगे तो ये बात उस तक शायद मुझे लगता है बनी रहेगी और फिर वो इसको इवेल्युएट करता रहेगा, तो मैं इस तरह करने की कोशिश करती हूँ कि उन तक बात कम से कम प्रपोजल रखने की कोशिश करती हूँ, और अभी कॉम्पिटेंस भी कम दिखाई देती है कि उनके लेवल तक आके जैसी जैसी लैंग्वेज जैसा एक्सप्रेशन उनको ठीक लगता है मैं उस लेवल पे आके रख पाऊँ, अभी मुझ में भी कॉम्पिटेंसी की कमी दिखाई देती है, लेकिन जो जो भी रखती हूँ तो उस टाइम तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और मैं ये फिर एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो उसको करें ही, इतना ही है भैया, मतलब मैं सबके साथ इसको ऐसा देख पाती हूँ कि सही अभी सबका जो ध्यान उस बात पर गया नहीं है, सुख का सोर्स अभी बाहर ही दिखाई दे रहा है इसलिए वो बाहर ही उसको मान रहे हैं, अभी उनको एकदम से इधर लाना तो ना धीरे धीरे ही पॉसिबल होगा, मैं ऐसे कर रही हूँ अपने परिवार के साथ, तो मेरे परिवार में भी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे सारे भाई बहन सबको ये लगता है कि ये क्या करती रहती है जी 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 भैया। जी जी और जो दूसरी बात है उसको हम सोसाइटल लेवल पे इवेल्युएट करें तो ये तो है ही, जितना जितना सुविधाएं बढ़ रही है ना लोगों को पंजाब में तो ये बहुत है, तो जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं क्यूमुलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो बाहर से वो जो सेंसेशंस हैं या बाहर से सुख लेने का उनका वो हो गया है, वो कहीं ना कहीं इतना सारा क्यूमुलेट किया है उसको, फिर बाहर से सेंसेशन लेने के लिए यूज तो कर ही रहे हैं, अच्छे अच्छा खाना है अच्छा पीना है ना, बॉडी की सेंसेशन उसको करते हुए तो वो फिर वो कसौली में जाके बाहर से संवेदना अच्छी, अच्छे इन्वायरमेंट की संवेदना मिलेगी, वो सब लोग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मेरे मेरे परिवार में भी लोग जाते हैं तो मैं एक प्रपोजल अपनी, मतलब अभी देखिए सबके घरों में परिवारों में जाना आना तो हो ही रहा है, मैं अपने यहाँ भी देखूँ तो मेरे हस्बैंड का भी प्रोग्राम बनता ही है जाने का कि हम वहां जाएं यहाँ जाएं, तो मेरा इन बाहर कहीं भी घूमने जाने पे अभी इतना वो नहीं होता, ध्यान नहीं बनता, लेकिन मैं फिर उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं है तो वो भी बाहर से ही सुख, किसी यात्रा पे ले चलती हूँ, मतलब जैसे अभी हमारा प्रोग्राम बना है तो हम जगन्नाथपुरी और काशी विश्वनाथ मंदिर, तो मैंने वहां टर्न कर दिया, वो हो भी पाया कहीं ना कहीं, बेटा भी इस बात पे राजी हो गया, हस्बैंड भी इस बात पे राजी हो गए, तो मुझे लगता है कि चलो चॉइस थोड़ा सा शायद बेटर है
हालांकि दोनों ही केसेस में हम बाहर से ही सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बट फिर भी चलो मुझे चॉइस वो बेटर लगती है कि कहीं ना कहीं वहां पॉजिटिव एनर्जी से संस्कार संस्कारों की तरफ ध्यान जाएगा, तो ऐसा मैं अपने लिए इवेल्युएट करती हूँ और फिर मतलब कोशिश करती हूँ। जी भैया, क्या मैं आपके प्रश्न जी का जी जी कुछ जी जी उत्तर दे पाई भैया? जी एक मैडम मैंने एक चीज और देखी कि जिन लोगों को मैं यहाँ पे जो पंचकुला में हमारा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे है ट्राइडेंट हिल्स के नाम से, तो वो उसमें कंस्ट्रक्शन देखता हूँ ओवरऑल, वो तो नीचे सब अधिकारी ऑलरेडी मौजूद है वीपी लेवल के, मैं तो ओवरऑल जी केवल वाचिंग। तो मैंने मैडम एक चीज और फील की, जिन इंजीनियर्स को या उनको मैंने मोल्ड किया यूएचवी की तरफ, वो सब ये चोरी चकारी इनसे सब अलग हट जाते हैं, वरना सब जो है प्राइवेट में चोरी चकारी की बहुत बुरी हालत है। मेरा ये मानना है कि यूएचवी यदि सब में इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफी कुछ एक शांत वातावरण और आदमी शांति से रहने लगेगा। आप क्या भैया, सोचती हैं मैडम? जी भैया, तभी तो हमारा भी कमिटमेंट बन रहा है जब हम पॉसिबिलिटी को, पोटेंशियल को देखते हैं कि यूएचडी के साथ कैसे, है ना, हम भी खुद में भी सही समझ सही भाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बाकी और मेरा ये विश्वास भी बनता है कि दूसरे का पोटेंशियल भी है, हर एक में पोटेंशियल है, सही को समझने का, सही को सही में जीने का, ये बात तो काफी रूप से दिखाई देती है ना। तो उस रूप में तो मुझे बिल्कुल लगता है कि यूएचडी के साथ ही ये सारी समस्याओं का हल है ना। अभी बात उतनी की है कि हम कितने लेवल तक उसको ले पाएंगे, इसीलिए टीम बड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग ही इस बात के लिए प्रयास करें कि जितना जितना कंट्रीब्यूशन हो पाए, जितनी जितनी ये बाहर हम बात लोगों से कर पाए, उनको प्रपोजल दे पाए, तो उतना उतना सबके ध्यान में ये बात आती है। और बाकी फिर ये भी बात है कि सबके संस्कारों की यात्रा है ना, तो जो भी एक्सप्लोर कर पाएगा इस बात को, देख पाएगा अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को के आधार पर इवेल्युएट कर पाएगा, वो जुड़ेगा भी इसके साथ फिर, और फिर धीरे धीरे परिमार्जन तो होगा ही। मैं अपने लिए भी देख पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा परिवार में भी दिखता है और समाज में भी विश्वास बनता है, और ये हो भी रहा है। इतनी बड़ी टीम लगी हुई है तो बहुत सारा कुछ दिखाई भी देता है कि वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों का परिमार्जन भी दिखता है, मॉर्निंग सेशन में बहुत सारे लोगों का परिमार्जन दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही भैया। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के, बहुत बारीकी से आप अपने अंदर काम कर रहे हैं ऐसा दिखा मुझे। जो ये आपने मेंशन किया ना कि पहले इंसिडेंट होने के बाद दिखता था कि हमारा भाव बिगड़ा, अब जब इंसिडेंट हो रहा है, जब दूसरे से बात चल रही है, तब दिखने लगा, ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने मेंशन करी। सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि जैसे जैसे हम अपने अंदर काम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें हाथ के हाथ दिखते जाता है कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात और ये जो आपने बोला कि पिछले 6-8 महीने से आप अपने अंदर ज़्यादा ज़्यादा पाती हैं कि आप आराम में हैं, ये भी जो स्थिति है अच्छी स्थिति है। जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारी आराम की स्थिति बढ़ती जाती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। तो वो यही इससे मालूम होता है कि आप अच्छे से काम कर रही हैं अपने अंदर। बट जैसे प्रिया जी ने कहा, थोड़ा सा मुझे लगता है आप भी ना अपने को अंडर इवेल्युएट करके चलते हैं, तो रादर देन क्या नहीं हुआ है उस पर फोकस सिर्फ ना ज्यादा ज्यादा उस पर ना जाए, और ये दिखे कि कितना सब हो भी गया है, और साथ ही साथ जो नहीं हुआ है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो वो चीज एक बात थी, थोड़े से मेरे सुझाव थे कि जैसे आपने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन करना है, हो नहीं रहा है, तो एक तो था कि ना बैठ के किसी टाइम हम टाइम निकाल के इस काम को करें, तो उसके लिए
निर्णय लेने की बात है, अगर आप ना किसी भी समय दिन भर में जो आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है, जब आप एक्टिविटी में नहीं बिजी हैं, जब आपको कॉलेज जाने की जल्दी नहीं है, उस टाइम में, या तो सुबह सुबह, नहीं तो शाम में, या जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है, एक टाइम बांध लें ताकि वो रूटीन में आ जाए कि आप 20 मिनट, आधा घंटा रोज ना अपने में देखने का काम करेंगे ही। क्या है ना कि जब कहीं आग लग जाती है, उसको बुझाने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट है। आग ना लगे उसके लिए अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेंगे तो काम बहुत इजी हो जाता है। तो आप अगर अपने अंदर ये देखने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, मतलब बैठ के एक जगह दिन भर में किसी भी टाइम, मुझे तो लगता है सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ना 20 मिनट ऐसा निकाल के दे पाए, या रात में किसी टाइम, तो आपका ध्यान जाएगा और दिन भर के लिए भी, जो ना अगर हम सुबह बैठते हैं तो दिन भर के लिए भी हमारा ध्यान फिर जाते जाता है जब हम डेली डेली काम करते हैं। लिखने से भी बहुत ना इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो भी आपने मेंशन किया, तो लिखें जरूर उस बात को। जैसा कि आप कह रहे थे कि जब इंसिडेंट होता है, एक बस पॉइंट नोट कर लें, या इसी तरह कभी कभी हम रिमाइंडर देते हैं अपने आप को तो भी काम होता है। तो जैसे कि कोई लोग फोन में रिमाइंडर लगा लेते हैं, या कोई नोट्स चिपका देते हैं जहाँ ब्रश करते हैं, या जहाँ ना फ्रिज के ऊपर, या इस तरह का, तो दिन भर में भी ध्यान जाता है कि हाँ हमने ऑब्जर्व करना है, तो उससे भी थोड़ा हो सकता है। और जैसे जैसे हम ये रिमाइंडर्स के साथ में काम करते हैं, वैसे वैसे क्योंकि हम उसके यूज टू हो जाते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको दिखेगा कि बाहर रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, अंदर ही रिमाइंडर बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये कुछ सुझाव थे जो मुझे ध्यान में आ रहे थे। तो जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी। और ये कुछ कुछ मैं भी देख ही पा रही हूँ कि ये सब चीजें जरूरी हैं। और बैठने का मैं वही एक्सपीरियंस बताती हूँ, घर में मैंने जितनी बार भी बैठने का डिसाइड किया है तो ऐसा ही होता है कि कुछ ऑब्जर्व करती हूँ, कुछ भी काम याद आता है। तो मेरा जो संस्कार है ना, वो यही, मतलब मैं दोनों में से ना उसको चूज कर लेती हूँ कि उठ के पहले वो काम कर देती हूँ। तो ये नजर में आया है मुझे, अब ध्यान बना है उसका, तो उसको रख लिया, नोट कर लिया और उससे आगे बढ़ लिए, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो अभी भी वहाँ UHV 3 से आके 2-3 दिन किया मैंने और उसका मुझे बहुत फायदा भी लगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं होता क्योंकि जैसे मतलब अभी पढ़ना भी बहुत कुछ होता है, तैयारी भी करनी होती है, तो वो सब काम में हम मनन तो होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन जो अपने उसका है, जो मतलब बैठ के ऑब्जर्वेशन करना है, वो नहीं हो पाता। हालांकि कंटेंट को बार बार चलाना है, जब भी हम कंटेंट को पढ़ते भी हैं और तैयारी भी करते हैं तो बार बार चलता है, लेकिन अपना भाव विचार उसमें कैसा बना रहता है उससे ऑब्जर्वेशन छूट जाता है मेरा। ठीक बात है, ठीक बात है। आप मतलब 10 मिनट से भी स्टार्ट करें ना, अगर वो निर्णय बना लें कि 10 मिनट तो अब निकाल ही सकते हैं, है ना, 10 मिनट के लिए वो निर्णय ले लें कि हमने और कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ यही करना है, तो जी वो हो सकता है मेरे हिसाब से, तो उसको देख लें। बट जी दीदी, बाकी भी बहुत सारा आपने अपने अंदर काम किया ही है, और बहुत बारीकी से आपने स्टेप वाइज अपने अंदर देखने का प्रयास भी किया है, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखा है, तो वो सब बातें भी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप कंटिन्यू रखिए अपनी जर्नी, और आगे भी आप ना ऐसे ही ध्यान देते रहें अपने अंदर, तो बहुत जी अच्छा। जी जी दीदी, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जी धन्यवाद, शर्मिला दीदी।